नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ सलवार की कटिंग और सलवार में अलग तरीके से बेल्ट कैसे डालें। ये मैंने सलवार का कपड़ा ले लिया है, 2.25 मीटर कपड़ा है, ये फोल्ड कर लिया है। अब ये इस साइड मोड़ा है मैंने 7 इंच के लिए, यहाँ से पाट निकाल रही हूँ। ये सलवार की लंबाई है 37 इंच, 2+39 और 6- किया है इसमें, तो ये मैंने 33 इंच के लिए हैं पार्ट। ये 7 इंच लेके काट दिया है। अब ये 33 इंच लगाया था, यहाँ निशान मैंने 33 इंच के पार्ट ले लिए हैं और ये अब बेल्ट निकाल रही हूँ। ये ऊपर से बेल्ट निकलेगी, 2.25 मीटर कपड़ा था, इसमें बहुत हैवी सलवार बनेगी ऐसे बनाओगे तो। ये 25 इंच की बेल्ट निकल गई है। ये देखिए, ये बेल्ट काट दी है। ये यहाँ से थोड़ा छोटा पड़ा था, नीचे वाली बेल्ट थोड़ी छोटी थी तो इसमें जोड़ लगेगा। और ये कट बीच का निशान लगाया है मैंने, ये कट का। अब ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसमें से कली निकाल रही हूँ। ये कली की लंबाई ली, कपड़ा बचा है इसमें से मैं कली निकाल रही हूँ। ये मैंने कली 33 इंच लिए हैं, तो कली मैंने 33.5 ली है, 1/2 इंच ज्यादा। और यहाँ से आसन लिया है मैंने 11.5 इंच का, यहाँ से 2 इंच लिया है, निशान लगाया है ऐसे, 2 इंच साइड से लिया था, ये दोनों को मिला दिया है, ऐसे मिला देंगे। ये मिला के और अब इसकी ये कटिंग करने होगी है इसकी। ये कली कट गई है, अब इनको आपस में मिला के, ये कली इसके ऊपर रख के और इनको अच्छे से मिला के, अब ये ज़्यादा कपड़ा है इसको काट दें। ज़्यादा कपड़ा था तो वो काट दिया है। और ये 10 इंच का आसन यहाँ से 11.5 लिया था मैंने, तो अब मैं 10 इंच ले रही हूँ। अब ये इसकी कटाई कर दी है अच्छे से, सलवार कट के तैयार हो गई है। और ये बेल्ट है, बेल्ट में जो लगना था अब वो लगा रही हूँ, इसमें ये जोड़ लगा रही हूँ जो बचा था थोड़ा। ये एक ही बेल्ट में जोड़ का ये काट दिया है कपड़ा। अब ये कली पाट जोड़, अब देखिए कली पाट जोड़ के सलवार मेरी सास सिलती है। पहले कली पाट जोड़ रखी, ये मेरी सास जोड़ रही है कली पाट, ये पहले कठी कली पाट जोड़ के हम दोनों ही सिलते हैं, सास बहू। और मेरी सास सलवार सिलती है, मैं सूट सिलती हूँ। चैनल पे कोई न्यू आता है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन का बटन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। जोड़ दिए हैं, ये कली पाट जोड़ दिए हैं। अब पहले एक बेल्ट ली है, अब बेल्ट डालनी है इसमें, प्लेट डालनी है। नीचे बेल्ट ली है मैंने, एक बेल्ट ऊपर ये अलग अलग बेल्ट जोड़ ली थी। अब ये ऊपर कलियों वाला कपड़ा लेके अब इसकी प्लेट डालनी है, शुरू में ही ज्यादा प्लेट डलेंगी। जो प्लेट डाल रही हूँ उनका मुंह हमारी साइड के प्लेट का, तब प्लेट डालनी है, अपनी साइड रखना है इसका मुंह। ये जो कट लगाया है मैंने, बीच में कट लगाया था बेल्ट पे, तो उसे पेचकस की सहायता से भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं हमने। अगर मेरी सास पेचकस की सहायता से ही डालती है, लेके आओगे तो सलवार घूमेगी, अंदर रखोगे तो सलवार घूमेगी नहीं, ये ध्यान रखना। और सभी प्लेटें देखना एक सार डाल रही हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। जो ये कट था इससे 4 इंच अंदर ही रखना है, हम 4 इंच अंदर रखेंगे तो हमारी सलवार घूमेगी नहीं। इतनी उम्र में भी देखिए ना, मेरी सास सलवार सी एक प्लेट के लिए पीछे की के लिए रखना है हमने, एक प्लेट पीछे डलेगी का कपड़ा रखना, तो उसके लिए कपड़ा रखना है।
ये प्लेट का कपड़ा बचा है तो इसमें एक प्लेट डाल दी है, डालनी है दोनों पिछली वाली प्लेट का रुख दूसरी साइड होगा, जहाँ ज्यादा प्लेट डली थी वहाँ भी आसन ये देखिए अलग अलग प्लेट डालने में तब प्लेट डालनी शुरू की बहुत आसान होता है। इसमें ये डलेगी, अब ये इसमें डाल रही हूँ मैं, एक प्लेट डलेगी, सॉरी मेरी सासी डाल रही है ये भी, अब यहाँ एक प्लेट डलेगी। अब कट तक आना है, ये ध्यान रखना है था हमने, अब ये कट तक आके कट से 4 इंच आगे आके आप प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। 4 इंच ये देखना ये कट आया है, देखिए ये कट है हमारा। अब ये प्लेट का उस ये 4 इंच अंदर की तरफ आके तब ये स्टार्ट की है, दूसरी साइड होगा इनका रुख, दूसरी साइड होगा ये, ध्यान रखने की बातें हैं, ध्यान से देखोगे तो सब समझ आएगा, बहुत ही आसान तरीका है ये। ये देखिए बराबर डल रही हैं ये भी, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होते, छोड़ना है दूर तक नहीं। ये देखिए अच्छे से डल गई है सभी प्लेटें, और कितनी सफाई से डाली हैं, ये देखिए बराबर डली हैं। अब यहाँ एक मशीन लगेगी, अब इनके ऊपर से मशीन लगानी है, दोनों पे ये मशीन लगा दी है। प्लेट देखिए ना बराबर डली हैं, कितनी अच्छी सफाई है, ये मशीन लगा दी है। अब इनका आसन जोड़ना है हमारी, अब ये आसन जोड़ना है। अब देखिए पिछली साइड जो आसन आएगा ये पहले पीछे वाला जोड़ ले या आगे वाला, इसमें कोई वो नहीं है, उसको जोड़ रहे हैं। देखना हमारी प्लेट एक साइड आई है, दोनों बराबर हैं, ये इस पे दो मशीन लगा देनी है, दो मशीन लगानी है। अब ये इस साइड ये चिड़िया बनेगी, ये देखिए चिड़िया बना दी है, यहाँ चिड़िया छोड़नी है ऐसे मोड़ के, और तब चिड़िया आसानी से बनती है। जाम नाड़ा डाल नाड़ा डालने के लिए हमने फा मोड़ेंगे तब, इस पे भी दो मशीन लगेंगी, आसन इनके इकट्ठे ही जुड़ते हैं, फिर अलग अलग बेल्ट डाल चिड़िया बना दी है, ये चिड़िया तैयार होगी है। ये बहुत आसान तरीका है चिड़िया बनाने का। अब नेफा मोड़ देंगे, अब नेफा देखिए, ये देखिए चिड़िया हमारी चिड़िया तैयार हो रही है, अब ये नेफा मोड़ रही है। नेफा मोड़ते समय ध्यान रखना खींचना नहीं है, कोसा इसको भी नेफे को मोड़ते समय खींचना नहीं है, अगर खिंचाव करोगे तो खींचोगे तो झोल आएगा, बराबर रखने हैं दोनों। ये देखिए कितनी सफाई से मुड़ के तैयार हो गया है, क्या है ये काम देखो, कितनी सफाई से मोड़ दिया है नेफा भी। ये देखना दोस्तों कितनी अच्छी प्लेट डली है, देखो इतनी उम्र में भी मेरी सास ऐसा काम करती है, कितनी अच्छी से बेल्ट डली है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।